कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आज आपके यूएन सिंह मास्टर क्लास में फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पे, एक इम्पॉर्टेंट इशू पे आज हम यहाँ चर्चा करेंगे कि सर अगर हमारे दिमाग में बहुत सारी क्वेश्चन आती है कि अगर रूट अंडर फोर है तो उसका वैल्यू टू हो सकता है। सवाल सुनिएगा, रूट फोर का वैल्यू अगर दो हो सकता है तो रूट माइनस फोर का वैल्यू क्या होगा सर? रूट अंडर माइनस फोर का वैल्यू क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर रूट नाइन का वैल्यू अगर आपका थ्री हो सकता है तो रूट माइनस नाइन का वैल्यू क्यों नहीं हो सकता है? तो कहोगे सर ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो दोस्तों कभी नहीं सोचा तो आज सोचने की बारी आपकी आ चुकी है कि हम कैसे, आज हमारा क्वेश्चन है, आज आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि कैसे अगर रूट के अंदर माइनस लगा हो तो हम कैसे उसका आंसर चुटकियों में सेकेंडों में दे। बाबू डाउट मत रखिएगा अपने दिमाग में। तो समझते हैं इसके लिए, देखिए इसका आंसर क्या होगा। माइनस फोर है तो इसका वैल्यू हो जाएगा टू आई हो जाएगा। हमने कहा माइनस नाइन है तो इसका वैल्यू थ्री आई हो जाएगा। हमने कहा ए स्क्वायर है तो इसका वैल्यू ए आई। तो कह सर पगला गए कहा तो नहीं हुआ, हम पगलाए बुलाए नहीं है, हम आपसे पूछ रहे हैं, समझ में आया? तो बात सर ऐसा थोड़ी ना होगा। तो मैं ठीक है टेंशन मत लो, आपको इस सवाल में सबसे पहले ये समझना होगा कि ये आई क्या है सर। चार को तो समझ, चार का तो समझ में आ रहा है सर कि टू, नाइन का समझ में आ रहा है सर थ्री, ए का ए स्क्वायर का समझ में आ रहा है, लेकिन सर ये आई क्या है? तो आज हम समझते हैं भाव, बहुत अच्छा पॉइंट है हुआ आयोटा के बारे में, वैल्यू ऑफ आयोटा। सर ये वैल्यू ऑफ आयोटा के अगर होता क्या है तो याद रखिए हम वैल्यू ऑफ आयोटा यानी आई को ही हम आयोटा के रूप में जानते हैं, आई को ही आयोटा के रूप में हम जानते हैं। तो हमारा क्वेश्चन होगा सर हमको ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, समझिए बाबू। आई स्क्वायर यानी आई स्क्वायर का वैल्यू याद रखना, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पॉइंट है। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन। तो अब बताओ रूट अंडर माइनस फोर है तो क्या आप इसे नहीं लिख सकते हो? 4 into minus 1 लिख सकते हो ना, वैल्यू लिख सकते हो। तो रूट अंडर 4 into minus 1 की जगह क्या लिख सकते हो आप? I स्क्वायर। अब बताओ तो बाबू 4 का क्या होगा? 2। और I स्क्वायर का क्या होगा? I स्क्वायर का सर I होगा। बताओ तो 2i आ गया कि नहीं? अरे वाह रूट अंडर माइनस 9 है, लिख सकते हो उसको 9 into minus 1। तो बताओ तो 9 तो ठीक है, माइनस 1 किसका वैल्यू आपका? माइनस 1 सर I स्क्वायर का वैल्यू है। तो बताना हुआ 9 का क्या होता है? थ्री। और आई स्क्वायर का क्या होगा? आई। समझ में आया? थ्री आई आया कि नहीं? तो हमेशा अब याद रखिएगा बाबू किसी चीज के अंदर, रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है, गलती से भी माइनस आ जाता है तो कुछ नहीं, चार है तो चार का क्या लिख देंगे? दो लिख दिए। और माइनस की जगह क्या लिख देंगे? आई। समझ में आया? नौ है तो नौ की जगह क्या लिखेंगे? नौ का रूट क्या होता है? तीन। और माइनस की जगह आई। ए स्क्वायर का क्या होगा? ए। और माइनस की जगह क्या लिख देंगे? आई। तो बताइए बाबू रूट अंडर माइनस 25 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? सर क्यों टेंशन लेते हैं, माइनस 25 का वैल्यू आपका हो जाएगा 5 होगा। और माइनस की जगह हम क्या लिखेंगे? आई। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।